गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस अभी लिंक शेयर कर दूँ मैं सबके साथ, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। काशी दिलेक, गुड इवनिंग। ऑलराइट, उम्मीदें दिवाली आप सबकी बढ़िया गई होगी। तो पहले तो बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? ऑडियो क्लियर है ना आपके साइड से? ठीक ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो वापस से आते हैं अपनी सीरीज में, जहां पर हमारा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग योर करेंट अफेयर्स। ठीक है, सितंबर के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये हमारा, देखिए, उम्मीद है 3-4 क्लासेस में, उससे भी कम ही, 3-4 क्लासेस मैक्स टू मैक्स लगेंगी। सितंबर के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने का मेरा टारगेट है, प्लस उससे रेलिवेंट जो भी फैक्ट आपकी नज़र में पड़ते जाए वो कराने का मेरा मोटिव है। क्योंकि करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि 1000+ भी करा दें तो भी कम है। तो अपन वो करते हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट है, ताकि आपके पास भी एक मटेरियल रहे कि कभी आपको लगे कि हाँ चलो करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम फैक्चुअल भी प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन वो काइंड ऑफ ज्यादा बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन फॉर्म में एक तो इंटरेस्टिंग भी रहता है, प्लस आपको आइडिया भी लगता रहता है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट जानकारी चाहिए। रेलिवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इररेलिवेंट हम कुछ भरते ही नहीं है। ठीक है, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये हमारे आपका ऐप पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए और ऐड हो जाइए। ठीक है, इन केस अगर आप ऐड नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज जल्दी जुड़ गए सब लोग। ठीक है, तो ज़्यादा देर कर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आपका भी वक्त कीमती है, हमारा भी वक्त कीमती है ना। तो मेरे ख्याल से 75 क्वेश्चन हम कर चुके थे। हाँ जी, आज के आसान आसान क्वेश्चन हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 76,
69 हो गया था, 72 हो गया था, 75 तक हो गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अरे यार इंडिया स्कॉटलैंड का मैच देख रहे थे, तो यही तो होता है ना, आपने प्रायोरिटीज चुन ली ना अपनी, आपने अपनी प्रायोरिटीज चुन ली, समझ गए जुमके जी, प्रायोरिटीज आपने चुन ली हैं, तो अगर आप प्रायोरिटीज को सेट कर लेंगे तभी तो आप गोल्स पे सेट कर पाएंगे। कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, मैं ये करूं या वो करूं, तो हमेशा ऑलवेज लुक फॉर प्रायोरिटी, आपको जरूरत क्या है करने की, किस चीज को करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। मिनिस्टीरियल डायलॉग का मतलब है कि हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से कुछ मिनिस्टर थे और फॉरेन कंट्री की तरफ से कुछ मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया की तरफ से कुछ मिनिस्टर रहेंगे और फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर रहेंगे, तो इनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो क्या कहलाएगा, मिनिस्टेरियल डायलॉग। तो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ है, तो 2+2 का मतलब है दो मिनिस्टर्स हमारी साइड से और दो मिनिस्टर दूसरे की साइड से। तो जब भी 2+2 होता है तो जनरली जो दो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें एक तो आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है और एक कौन होता है, डिफेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी हमारे 2+2 डायलॉग होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, जैसे हम यूएसए के साथ भी 2+2 डायलॉग करते हैं, तो 2+2 का मतलब है कि हमारे तरफ से दो मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, और सेम उन्हीं की तरफ से भी जो फाइनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो डायलॉग करेगा। तो अभी एक फाइनेंस मिनिस्टर का नाम दिया है, सॉरी फाइनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, मैरिस पेन, और डिफेंस मिनिस्टर है आपका पीटर ड्यूटॉन। ठीक है, मैरिस पेन और पीटर ड्यूटॉन। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मिनिस्टर्स के साथ 2+2 डायलॉग हुआ है, पहली बार डायलॉग हुआ है, तो ये किस कंट्री के थे। देखिए ये भी क्वेश्चन एक नया कैटेगरी अब जनरेट हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग कि किसी भी कंट्री का कोई मिनिस्टर आता, फॉरेन मिनिस्टर आया, डिफेंस मिनिस्टर आया, तो वो नाम दे के पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ वो किस कंट्री का था। ये एक नया ट्रेंड आजकल चल रहा है पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस पर ज्यादा गौर फरमाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है कि 2+2 जो मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ है इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम दिया है, डिफेंस मिनिस्टर का नाम दिया, फॉरेन मिनिस्टर इज मैरिस पेन और डिफेंस मिनिस्टर इज पीटर ब्रुटोन। तो आपको बताना ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। यूएस के साथ हम पहले भी कर चुके हैं, यूएस आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यूएस के साथ हम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं, 1-2 साल पहले से ही यूएसए के साथ हम 2+2 डायलॉग स्टार्ट कर चुके हैं। ये सितंबर का है, ये भी सितंबर की खबर है, तो हाल ही फिलहाल में हमने किसके साथ स्टार्ट किया। तो यूएसए तो नहीं होगा, हालांकि करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने स्टार्ट किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो मेरे को बताइए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए जी। कैनबेरा, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज कैनबेरा। बस इसी तरह से तो ये सब चीजें याद होती हैं, आपके जहन में ऑस्ट्रेलिया आया, आपने ऑस्ट्रेलिया की क्या कहते हैं मीनिंग, वो कैपिटल देख ली, कभी करेंसी देख ली, इसी तरह से करते करते आपको कब करेंसी, कैपिटल्स, ये सब याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पे बर्डन भी नहीं होगा। तो जरूरी क्या है, उसके लिए अवेयर रहिए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लद्दाख गेट्स इट्स फर्स्ट हाईएस्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर इन द वर्ल्ड। ओए होए, लद्दाख में पहला सबसे ऊंचा डिजिटल मूवी थिएटर बनाया गया वर्ल्ड का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, पहला फर्स्ट हाईएस्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहाँ बना है दुनिया में,
तो एक तो क्वेश्चन आंसर आपका यही हो जाएगा, ये कहाँ बना है? लद्दाख में बना है। कितनी हाइट पे बना है? 11,562 फीट पर बना है। तो इसी क्वेश्चन में आपकी कई सारी जानकारी इन्वॉल्व है जो डायरेक्ट आपका उल्टा क्वेश्चन में बन के आ सकते हैं। तो लद्दाख के किस एरिया में बना है? पाल्डन एरिया ऑफ ले, ले वाला जो एरिया है वहां पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन वाले को इससे कोई मतलब नहीं, उसने कहा ठीक है बना लो तुम, मेरे को इतना बता दो एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख का? लद्दाख का वो बताइए, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत बढ़िया, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका आर के माथुर। अच्छा लद्दाख अब पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है? तो लद्दाख इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख जो यूटी बना है वो किस कानून से बना है और किस ईयर में बना है? क्या कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक है जो इस सवाल का जवाब दे? यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख को बनाया गया है, ठीक है, तो किस ईयर में बनाया गया है और किस कानून के तहत बनाया गया है? आर्टिकल 347 यहाँ कहाँ से आ गया? एक लॉ पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये शायद हाँ 5 अगस्त की तारीख थी, 5 अगस्त 2019। पूरा देश सनसनी में था कि आज पार्लियामेंट राज्यसभा में कुछ तहलकेदार होने वाला है। तो उसी दिन ये कानून राज्यसभा में पास हुआ था, फिर धीरे धीरे ये एक्ट बना था, ठीक है? तो इसकी शुरुआत राज्यसभा से हुई थी ऑन 5 अगस्त 2019। तो इसी एक्ट में लिखा था कि जम्मू कश्मीर विल बी अ यूटी और जम्मू कश्मीर से एक हिस्सा अलग कर देंगे और बना देंगे लद्दाख। और ये फाइनली ऑफिशियली किस तारीख में यूनियन टेरिटरी बन गया था? सोच समझ के जवाब दीजिए। कंफ्यूज है, चलिए। इसका जो कानून पास हुआ था वो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को ये कानून आपका पास हुआ था। 5 अगस्त को देखिए फाइनल नहीं हो गया था कुछ, क्योंकि 5 अगस्त को वो कानून सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से पास हुआ था, ठीक है? राज्यसभा में ही सरकार को दिक्कत थी, क्योंकि एक बार राज्यसभा से निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, लोकसभा से तो वो पास करा ही लेते। असली मसला फंसता राज्यसभा में, तो उन्होंने पहले कहाँ पास करा लिया? राज्यसभा में। फिर उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट वो लोकसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट की असेंट मिली, तब जाके ये कानून बना। तो ये 5 अगस्त को ही कानून नहीं बन गया था, उसके कुछ दिन बाद कानून बना था, ठीक है? तो ये यूटी करीब आपका जाके बनता है, ये कानून ऑफिशियल जो फाइनली होता है कुछ ऐसी 31 अक्टूबर 2019 की तारीख, ठीक है?
31 अक्टूबर 2019। और फाइनली जाके जब ये यूटी बनता है, यूटी ये फाइनली जाके बनेगा ईयर 2020 में, ठीक है, ईयर 2020 में जाके ये फाइनली यूनियन टेरिटरी बनेगा। तो पूछे यूटी कब बना था, तो 2020 में बना था। अब जिस दिन कानून पास होगा उसी दिन थोड़ी ना सारा काम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट हमें फाइनल डेट याद रखनी, ठीक है। 5 अगस्त वाली डेट मत याद रखो आप, क्योंकि उस दिन स्टार्ट हुआ था, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, कानून ये रहा और यूटी बनाइए 2020 ऑफिशियली, ठीक है। तो कौन है एलजी फिलहाल? आरके माथुर। चलिए फिर, क्लियर है? दो ही चीजें याद रखनी, ठीक है, दो ही चीजें याद रखनी, क्लियर है कि नहीं है? कानून याद रखना, ईयर याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना। बाकी तो फिर अगर याद रखोगे तो फिर आपको पूरी कहानी याद रखी थी, किस दिन लोकसभा गया, किस दिन प्रेसिडेंट के पास गया, तो वो सब और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दो ही चीजें याद रखो, कानून याद रखो और किस साल में बना, 2020, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। पोर्टुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कई लोगों के आपके आइडियल भी होंगे, आप लोग में से कई लोग उनके फैन भी होंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन उनसे बनना चाहिए। सरपासिंग विच कंट्रीज एलिडेई, एलिडेई दूसरी कंट्री के फुटबॉलर है, उनको सरपास करते हुए और रोनाल्डो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स का, और एलिडेई की टैली कितनी थी, 109 गोल्स की, उसको भी उन्होंने सरपास कर दिया। तो क्वेश्चन इतना है कि जो एलिडेई है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता ले जाएंगे, अगर थोड़ा भी क्रिकेट की आपको नॉलेज है, वो सॉरी फुटबॉल की नॉलेज है, तो बता ले जाएंगे, और बता भी दिया है, करेक्ट आंसर इज ईरान। अच्छा, ईरान में दो फेमस डेजर्ट्स हैं, अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, एसआई की स्क्रीनिंग में एक डेजर्ट का नाम पूछा भी गया था। तो ईरान में दो बहुत फेमस डेजर्ट्स हैं, क्या आप उसके नाम बता सकते हैं? दो बहुत फेमस डेजर्ट हैं इराक में, नाम बता सकते हैं आप? सोच के बताइएगा, सोच का मतलब ये नहीं होता गूगल कर रहे हो। बहुत बढ़िया, जुंगे जी ने सही आंसर दिया। वो जो दो डेजर्ट हैं, दश्ते काविर, और दूसरे डेजर्ट का नाम है दश्ते लूत, ठीक है, दश्ते काविर, दश्ते लूत, दश्त मतलब डेजर्ट पर्शियन भाषा में, और काविर और लूत, ये दो डेजर्ट के नाम है, ठीक है, दश्ते काविर, दश्ते लूत। तो मेरे ख्याल से दश्ते काविर पूछा गया था एसआई स्क्रीनिंग में, अभी रिसेंटली जो एसआई स्क्रीनिंग हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था कि दश्ते काविर जो डेजर्ट है ये किस कंट्री का, बहुत फेमस डेजर्ट है ईरान की, अगर आप थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ाया जाता है, ठीक है, दश्ते काविर एंड दश्ते लूत। ऑलराइट, अच्छा एक सवाल का और जवाब दीजिए, अब जब बात निकली तो एक दो और मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक शहर है मोसुल, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ एक क्वेश्चन में, कारपेट वाला क्वेश्चन था, मुस्लिन से रिलेटेड था, मुस्लिन जैसे इंडिया में जो कारपेट बनती थी ना, अंग्रेज इसको मुस्लिन कहते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग के जो इसके कारीगर लाए थे कहाँ से लाए थे, मोसुल से लाए थे, तो मोसुल वो लोग बोल बोल नहीं पाते थे एक्चुअली, सॉरी, हाँ, जो वो मोसुल में खरीदते थे ये सारा आइटम कारपेट का, तो मोसुल से उन्होंने वर्ड बना दिया था मुस्लिन। तो आपको ये बताना, जो मोसुल एक शहर है ये किस कंट्री में है, मोसुल शहर किस कंट्री में मिलेगा आपको? देखिए, क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड करते हैं ये सारे क्वेश्चन, आप कितना न्यूज पढ़ रहे हैं, आप कितना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसी पे डिपेंड करते हैं ये, किसी भी, आप सोचो मैं एक किताब खरीद लूं
उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, मुश्किल है करना। और अगर वो किताब होगी भी तो इतनी हैवी किताब होगी कि उसको देख के ही आपका दिल भर जाएगा। बहुत बढ़िया। मोसुल कहाँ पर है आपका? इराक में, फेमस सिटी है, ध्यान रखिएगा। मोसुल कहाँ पर है? इराक में, इट इज अ फेमस सिटी। तो जो एलिडे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, SAI, हर कंट्री की एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होती है, उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल के लिए INT, ऑर्गेनाइजेशन के लिए O, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए INT, ऑर्गेनाइजेशन के लिए O, और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI, INTOSAI। अब थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो आंसर दीजिए। मुझे लेकिन मुझे लग रहा है ये आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा इसका, इंटोसाई का, इससे पहले नाम नहीं सुना होगा। और एग्जामिनर की कोशिश यही रहती है कि ऐसे ऐसे नाम दो जो कभी जिंदगी में सुने ही ना हो, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, फिर अपने ही आपको ब्लेम करने लगें कि मैंने ही नहीं पढ़ा था। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए, इंटोसाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। इसका हेडक्वार्टर अगर पता है तो बताइए, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है। बहुत बड़े जुमके जी, नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है वियना, वो इसका हॉट हेडक्वार्टर है, किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। देखिए ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब एक तरीके से आप किसी को चेक कर रहे हो। जैसे आपने क्या करा, आपने कंपनी खोली, आपने किसी को हिसाब करने के लिए दिया कि भाई तुम फाइनेंस पूरा संभालो, तो लेकिन आपने क्या करा, फिर फाइनेंस की ऑडिटिंग करवाई, मतलब कंफर्म करने के लिए कि किसी तरह का धांधलीबाजी तो नहीं हो रही, किसी तरह का करप्शन तो नहीं हो रहा। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब आप रिव्यू करवा रहे हो, चेक करवा रहे हो। इसी तरह से भारत सरकार है, वो खर्चा करती है, अब हमें ये चेक करना चाहिए ना कि सरकार का खर्चा सही डायरेक्शन में हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं सरकार अपने लिए बंगले बनवा रही हो, ऐसा तो नहीं कि सरकार उससे अपना खर्चा निकाल रही हो, वो जनता की भलाई के लिए कितना खर्च हो रहा है, जितना उन्होंने बजट में मेंशन किया था, क्या एक्चुअल में पैसा वही जा रहा है या किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए हम क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं। और इंडिया में जो बॉडी ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कहलाती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंट्रोलर की स्पेलिंग याद रखिएगा, COMPTROLLER, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल। तो कैग का काम क्या रहता है? इंडिया में जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, उनके फंड को ऑडिट करना, चेक करना कि ये सही डायरेक्शन में खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैग जो है वो क्या है? इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है कैग। इसी तरह से हर कंट्री का अपना अपना एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है। अब क्या करा गया, एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी गई जितने भी दुनिया भर के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, ताकि हर कंट्री का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हो, जो हमारे यहाँ जिसको कैग कहते हैं, वो क्या करें यहाँ पर, वो आपका इनसे मदद लें, इनसे स्टैंडर्ड्स लें, इनसे टेक्नोलॉजी लें, इनसे तरीका लें कि काम कैसे करना है, ठीक है। मतलब हर कंट्री की जो SAI है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, वो क्या करती है, इनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करती है ताकि बेहतर तरीके में ऑडिटिंग हो पाए। स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना, जो भी सारी चीजें वो सब ये लोग डिस्कस करते हैं। तो यही काम है, मिल बांट के सारा सबको मैनेज करना, जितने भी दुनिया भर के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसका काम है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर इतना दिमाग में है काफी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, इतना पता है तो मोर देन एनफ आपको पता है, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
अब बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79। अब नया नया तो नहीं लग रहा है ना, वी आर जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक सी चीज थी, आसान है, ठीक है, बेसिक सी चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज इन भोपाल। सही बात है, भोपाल एमपी में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसको जेम 5 स्टार रेटिंग दी गई। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या कहते हैं, आसोचाम। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या कहते हैं, आसोचाम। वो एक सर्टिफिकेशन निकाल रहा है, जेम सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन। तो वो क्या कर रहा है, रेलवे स्टेशन को जा जाके रेटिंग दे रहे हैं कि आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने बढ़िया हैं। तभी अगर आप रेलवे वगैरह की वेबसाइट पे जाके देखेंगे या उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो वो लोग हबीबगंज में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, थीके? बहुत बेहतरीन तरीके से हबीबगंज को डेवलप कर रहे हैं, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो आसोचाम ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी। क्यों दी है, क्योंकि जो डिजाइन है, ग्रीन सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जो डिजाइन है इसका प्रोजेक्ट है, वो काफी बढ़िया पसंद आया आसोचाम। तो अब वो क्वेश्चन हबीबगंज से रिलेटेड या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं पूछ रहा है, वो सीधा सीधा सवाल उठा रहा है कि जो आसोचाम है ये किस ईयर में फॉर्म हुआ। तो आपके लिए दो सवाल हैं, ये किस ईयर में फॉर्म हुआ, दूसरा आसोचाम की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ईयर ना भी बता पाए कोई दिक्कत नहीं, बट फुल फॉर्म तो ध्यान से बताइए, ठीक है, फुल फॉर्म तो एक्सपेक्टेड है आपसे। ऑलराइट, बताइए। कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया जुमगे जी, जो जुमगे सोरा ने बताई है उसी को लिख लीजिएगा आप लोग, आसोचाम की फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। मतलब एक ग्रुप बना दिया गया, क्या है ना, कई कई तरह के ग्रुप बन जाते हैं इंडस्ट्रीज के, जैसे एक नास्कॉम है, आसोचाम है, सीआईआई है, तो ये सब क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं। जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज होती हैं ये अपनी ग्रुपिंग बना लेते हैं, ताकि जब कोई भी सरकार से मशवरा करना होगा, सरकार को कोई फैसला लेना होगा, तो अलग अलग इंडस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से वो बात कर लेते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, ठीक है, और इनकी भी अपनी एक आवाज हो जाती है, जैसे एक स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, तो इसी तरह से ये यूनियन है अलग अलग इंडस्ट्रीज का, ताकि ये लोग अपनी बात सरकार के सामने प्रॉपर रख पाए, सरकार भी इनके साथ फेयर रहे और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलती रहे कि इंडस्ट्रीज में करना क्या है। एक कलेक्टिव जानकारी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हेल्प करती हैं। तो आसोचाम इसी तरह का एक ग्रुप है कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज का, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये तो फुल फॉर्म हो गई, ये बना था आपका 1920 में, ठीक है, कब बना था, 1920 में, ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 81। अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए चेयरमैन बने, तो आपको उनका नाम बताना है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि इतना आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, न्यूज वगैरह पढ़िए, ठीक है, इस्टेब्लिश कोई बात नहीं, अब बता दिया गया है, न्यूज़पेपर पर अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो ये आंसर दे देंगे। अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए चेयरमैन बने हैं, तो आपको बताना है। कौन बने, रेखा शर्मा, सीरियसली, बताइए, तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं।
देखिए माइनॉरिटीज के लिए बन रहा है, तो ऑब्वियसली इतना थोड़ा आइडिया लगाइए, कोई माइनॉरिटी ही होंगी जो इसकी चेयरमैन बनेंगी। रेखा शर्मा तो कहीं से भी नाम से तो माइनॉरिटी नहीं लग रही है, तो अगर आपने गैसिंग करी है तो ये सही गैसिंग नहीं है। हाँ देखिए एक आंसर आ रहा है सरदार इकबाल। हाँ जी, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन बने हैं इज नन अदर देन योर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा कौन बने, चेयरमैन बने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के। ऑल राइट, तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये बताइए। मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री आप बता देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मोमा कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं, मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके तहत आता है। कॉमन सेंस ही तो आप बता देंगे, नहीं बता पा रहे हो तो बता देना चाहिए, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। आपको इनके मंत्री का नाम बताना है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंडिया में कौन है। आसान सवाल है, तो चेयरमैन तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के हैं जो है वो है आपका सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स कौन इंडिया में। देखिए क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए, इसको नेटफ्लिक्स समझ के मत बैठ जाइए, ठीक है। कि हटो, चलो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, इसी को देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना करिए बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठ के हाथ में कॉपी पेन लेके इसके नोट बना लीजिए। जो नोट्स कहने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन आंसर कॉपी करने बैठे, आप जो भी इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, जो फैक्चुअल जानकारी है, उनकी एक कॉपी बना लीजिए, और जो भी आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि देखिए नोट मेकिंग ऐसी चीज है, आप 50 जगह से पढ़ लें लेकिन जब तक आप खुद से बनाना नहीं सीखेंगे ना, कोई नहीं सिखा सकता। 50 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, अल्टीमेटली वो यही कहेंगे कि भैया अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, अल्टीमेटली लाइन यही निकलती कि अपने हिसाब से बनाओ सारी जानकारी देने के बाद। तो ये आपको खुद इवॉल्व करना है, नोट मेकिंग, नोट्स जो बनाने की प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसको इवॉल्व भी आपको खुद ही करना है। हर कोई कर लेता है, आप भी कर लेंगे, बट एक बार शुरू करिए। शुरू में हो सकता है आपको गड़बड़ लगे कि ये मैंने कैसे नोट्स बनाए, ये कैसे बनाए, बट धीरे धीरे आपको खुद इवॉल्व हो जाएगा, आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि मेरे को नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मुख्तार अब्बास समथिंग, अरे भाई कुछ रेडी, अरे क्या कर रहे हो भाई आप लोग, अर्जुन मुंडा बेचारे, अगर मुख्तार अब्बास नकवी पता चल गया रो पड़ेंगे बेचारे, कहीं नाम ही नहीं याद है मेरा, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। चलिए फिर अब एक चीज का आंसर दीजिए, ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनसीएम, ये कैसी बॉडी है, क्या ये एग्जीक्यूटिव है, क्या ये स्टैट्यूटरी है, या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या लगता है आपको, एग्जीक्यूटिव है, स्टैट्यूटरी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल है। बताइए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव, स्टैट्यूटरी, या कॉन्स्टिट्यूशनल। तो भैया ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये कानून के तहत बनी है, तो ये हो जाएगी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कौन सा कानून है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से ये बॉडी आपकी बनाई गई थी।
शुरू में पांच रिलीजियस कम्युनिटीज इसमें इंक्लूड थी, कौन कौन सी? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस। जोरोस्ट्रियंस मतलब पारसीज को कह रहे हैं, जो पारसी लोग होते हैं, इनको माइनॉरिटी डिफाइन किया गया था। बट रिसेंटली एक और माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐड कर दी गई है जो कि है जैन्स। ठीक है, जैन्स को भी अब इंक्लूड करा जाता है। तो अब हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटीज कितनी है? सिक्स माइनॉरिटीज कम्युनिटीज यूनियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी है। ठीक है, बाकी हर स्टेट का अपना अपना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन होता है। ठीक है, दिल्ली का अपना अलग माइनॉरिटी कमीशन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट में माइनॉरिटीज अपना अलग अलग चलती हैं, बट नेशनल लेवल पे जो यूनियन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखी है वो 6 माइनॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। राइटर सुजैना क्लार्क वॉन द प्रेस्टीजियस विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर माइंड ट्विकिंग फैंटेसी नोवल पिरानेसी। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? मतलब सुजाना क्लार्क ने नोवल लिखी पिरानेसी, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का कोई कमीशन नहीं है, ये बहुत बाद में जाके बना, आप खुद देखो 1992 में जाके बना, इससे पहले जरूरत ही नहीं लगी। हाँ तो अब बताइए, पिरानेसी जो नोवल है इसकी जो राइटर है सुजाना क्लार्क, वो किस कंट्री को बिलोंग करती है? सर्बिया? नहीं जी, सर्बिया को नहीं, यूके। कोई ज्यादा खास सवाल नहीं है। तो ये कहाँ को बिलोंग करती है? यूके को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द बुक द ब्लाइंड मैट्रियार्क हैज बीन ऑथर्ड बाय होम। एक किताब है द ब्लाइंड मैट्रियार्क, किसने लिखी है? एक ब्लाइंड महिला की कहानी है, ये महिला से ही मैट्रियार्क वर्ड बना है। ठीक है, तो वो कैसे अपने फैमिली को चलाती है, उस पर किताब लिखी गई है। तो ये किताब लिखी किसने, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका नाम नहीं सुना है क्या आप लोगों ने? द ब्लाइंड मैट्रियार्क का, द बुक द ब्लाइंड मैट्रियार्क हैज बीन ऑथर्ड बाय होम। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। रस्किन बॉन्ड? नहीं जी, रस्किन बॉन्ड नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रधानमंत्री ने 13 ब्रिक्स मीटिंग शेयर की है, तो उसमें इंडिया के तरफ से इंडिया के शेरपा कौन थे? अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ था, हमने पहले भी करेंट अफेयर्स में इसके बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने ब्रिक्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा था, कब ये बना, कैसे क्या हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स तो चलो बन गया, बट अभी जब 13 समिट हुई है तो उसमें इंडिया के शेरपा कौन थे इनमें से? शेरपा बोले तो शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, जब दो मतलब कंट्रीज के लीडर्स मिलने जाते हैं तो कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो उससे पहले उनके एक शेरपा होते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि हाँ भाई क्या क्या मुद्दों पे बात होनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री दो लीडर्स वर्ल्ड के मिलने वाले हैं, तो उनसे पहले उनके शेरपा मिल लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बातें डिस्कस होनी है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां जाके इवॉल्व करें। ये लोग तो बस एक तरीके से बस साइन करने जाते हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं डिस्कस नहीं होते कभी भी इन सब मीटिंग्स में, ये सब डिस्कस पहले से हो चुके होते हैं, ये लोग बस साइन करने जाते हैं नाम के लिए। सब डिस्कशन कौन करके आ चुके होते हैं? शेरपा इरपा ये लोग करके आ चुके। ठीक है, तो इंडिया के शेरपा कौन थे ब्रिक्स समिट में? नितिन साहब नहीं थे, इट वॉज संजय भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा, इट वॉज संजय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। हु वाज द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स? देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स पे खूब क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, एक क्वेश्चन ये भी मिल गया कि हु वाज द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। दो सेरेमनी होती है, ओपनिंग
और क्लोजिंग, दोनों में एक एक फ्लैग बियरर होता है। तो ये पूछ रहा है क्लोजिंग सेरेमनी पे टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया के फ्लैग बियरर कौन था, बताइए स्पोर्ट्स वाले। ये इस सवाल को लेकर मुझे आपसे उम्मीद है ये आपसे बनेगा, बताइए जी। सी तुक्का, मुबारक हो, तुक्का आपका चमरक, तुक्का आपका ठीक बैठ गया। करेक्ट आंसर इज सी, अवनी लिखारा। एयर राइफल में भी अभी मेडल्स जीत के आई है वो। 86, अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है बुजुर्गों की बात देश के साथ। बुजुर्ग सॉरी, बुजुर्ग कौन हो गए आपके, सीनियर सिटीजन्स हो गए। तो बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, प्रोग्राम का पर्पस क्या है, वो भी मेंशनड है कि जो यूथ है और जो एल्डर पर्सन है 95 और उससे ऊपर, और आजादी से पहले 18 साल वो गुजार चुके हैं, आजादी से पहले 18 साल गुजार चुके हैं, तो बिफोर इंडिपेंडेंस का क्या एक्सपीरियंस था वो उनके पास है। तो सरकार चाहती है कि बिफोर इंडिपेंडेंस का जो बुजुर्ग एक्सपीरियंस लिए हैं, तो इससे पहले वो उनके साथ कुछ हो जाए, वो चल बसे, उससे पहले पहले जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो एक्सपीरियंस गेन करें, आजादी से पहले का जो एक्सपीरियंस है जो बुजुर्गों के पास है वो कौन गेन करे, हमारे यंगस्टर्स गेन करें। तो उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया बुजुर्गों की बात देश के साथ। तो किस पर्सन ने, किस मंत्री ने ये प्रोग्राम चलाया है, क्वेश्चन आपका यही है, बताइए। बुजुर्गों की बात देश के साथ, कोई बात नहीं, रिवाइज भूल गए तो ये रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बुजुर्गों की बात देश के साथ, बताइए। गजेंद्र सिंह, नहीं जी, इट इज जी किशन रेड्डी, ठीक है, इट इज जी किशन रेड्डी। तो जो हमारे कल्चर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जी किशन रेड्डी, उन्होंने प्रोग्राम चलाया बुजुर्गों की बात देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 87, अमेजॉन इंडिया हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प ड्राइव ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अब स्टेट से जो भी प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, तो वाया ई कॉमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये सारे क्या है, ई कॉमर्स है। तो अमेजोन के साथ डीलिंग कर ली है कि भाई तुम ई कॉमर्स अपना यूज करो और हमारे स्टेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट करो, ठीक है। उसको बाहर एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, अमेजोन को दे दी गई। तो वो पूछ रहा है ये कौन से स्टेट का कारनामा है, किस स्टेट ने ये एग्रीमेंट साइन किया। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज गुजरात। ये किसने साइन किया है, इट इज साइंड बाय गुजरात। तो कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तब आपको पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, आंसर दीजिए। विच बैंक साइंड एम एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री। एनएसआईसी के साथ किसी बैंक ने एक एमओयू साइन किया है ताकि क्रेडिट दिया जा सके किसको, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई को लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए एनएसआईसी ने किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सी बैंक है वो, बताइए जी। और लोग बताइए, देखिए करंट अफेयर्स में अगर आए हैं तो पार्टिसिपेट करिए, तभी मजा है, वरना लाइव इतने दिखते हैं, आंसर गिने चुने लोगों के आते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। किसके साथ किया गया है,
एचडीएफसी बैंक के साथ किया गया। ठीक है, सवाल आता है कि एनएसआईसी भला क्या है। ठीक है, एनएसआईसी क्या है? सरकार की कंपनी है, एमएसएमई के अंडर ही आती। ठीक है, किसकी किसका पार्ट है? एमएसएमई का ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही पार्ट है एनएसआईसी। तो एनएसआईसी बनाने का पर्पज यही है कि इंडिया में जितनी भी एमएसएमईज हैं इनको टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, टेक्निकल सपोर्ट कैसे देना है, फाइनेंस सपोर्ट कैसे देना है, तो ये सारा जिम्मा किसको दे दिया गया? ये सारा जिम्मा दे दिया गया एनएसआईसी को कि भाई तुम देखो कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लग रही हैं उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं सब पुराना ही माल चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है? एनएसआईसी का। तो एनएसआईसी ने एचडीएफसी के साथ एमओयू साइन किया, तो एचडीएफसी विल प्रोवाइड लोन किसको? जितने भी आपके एमएसएमईज हैं उनको। ठीक है, एमएसएमईज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनकी खास बात ये होती है कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोगों को दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ऑटोमेटेड वर्क तो होता नहीं है, ऑटोमेटेड वर्क तो होता नहीं है, तो मैनुअल वर्क की जरूरत पड़ती है। मैनुअल मतलब लेबर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो लेबर को ये लोग ज्यादा हायर कर लेते हैं। प्लस इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हिंदुस्तान में जिन लोगों के पास स्किल्स कम है या एजुकेशन की कमी है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जैसे गांव वगैरह में, तो वो लोग डायरेक्ट जाके किसी एमएसएमई में जॉब करके अपना घर का गुजर बसर कर लेते हैं और हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्पज है एमएसएमई का। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये देखो ये फिर लौट के आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह का कर चुके हैं। एनपीसीआई और फिजर्व इंक्लूसिव एक कंपनी है, उन्होंने एक नया प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, एनफिनी। ये तो हम पहली बात करके आए हैं, ये किसका काम है? एनपीसीआई और फिजर्व इंक्लूसिव का। आपको ये बताना है कि फिजर्व जो कंपनी है किस कंट्री की कंपनी। इस बार क्वेश्चन है कि फिजर्व किस कंट्री की कंपनी है, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 89, बताइए। नो आइडिया। ऑल राइट, तो ये किसकी है? अरे दुखी होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी टाइम, यूएसए की है। जब ये एनफिनी वाली मैंने बात बताई थी तो वहां मेंशन किया था फिजर्व अमेरिका की कंपनी। ठीक है, तो ये यूएसए की है। अच्छा, जितना भी आपका करंट अफेयर्स हो गया है ना, जनवरी से हमने स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी टिल जुलाई अगस्त, अभी सितंबर का आ गया, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जनवरी के अलग, फरवरी के अलग, मार्च के अलग। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां प्लेलिस्ट में आपको जनवरी का करंट अफेयर देखना तो जनवरी जनवरी का देखिए, फैब का देखना फैब का देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के पूरा पूरा आपका उसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, सेप्टेम्बर का तो अभी चल ही रहा है, तो सेप्टेम्बर का हम ऐड करते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्लास हो जाएगी, इसके बाद सेम क्लास हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप दोबारा रिवाइज करना चाहें, या अगर अभी आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो अगर दोबारा आप देखना चाहें तो वैसे फेसबुक पे भी रहता है, अदरवाइज ये यूट्यूब पे भी रहेगा। ठीक है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। सतीश पारे हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। आदि की दो नई ऑर्गेनाइजेशन से मैंने आपको रूबरू कराया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन इंटोसाई, इसका रूबरू करवाया। दूसरा है आईआरएफ, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। एटलीस्ट इतना तो पता हो कि भाई इस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है,
कभी दोबारा नाम सुनो तो आप भौचक्के ना रह जाओ, टेंशन में ना रहो कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है? तो ये भी जरूरी है। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, इनकी ब्रांचेज हैं, तो इंडिया में जो इनकी ब्रांच है तो उसे क्या कहते हैं, इंडिया चैप्टर। तो जो इंडिया चैप्टर है IRF का, अभी उसके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं सतीश पारे। कौन चुने गए? सतीश पारे। तो आपको बताना IRF का हेडक्वार्टर क्या है। अच्छा, अगर IRF के काम की बात करें तो रोड फेडरेशन है, तो इनका बेसिक काम यही है कि इस रोड्स के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो ये बताते रहते हैं, ठीक है? ये डिक्लेयर करते रहते हैं कि भाई ये रोड के स्टैंडर्ड हो ताकि एक्सीडेंट जैसी परेशानी से हम लोग फ्री हो सके, एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सके। इस तरह से रोड्स के स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाना ये किसका काम है, ये IRF का काम है। तो हेडक्वार्टर हमें बताने, कुछ ना दिखे तो इन्फिनी क्या है? इन्फिनी कुछ नहीं है, वही एक क्रेडिट कार्ड बनाया, ये समझो आप क्रेडिट कार्ड बनाया और रुपए, एक कंपनी इंडिया की कंपनी रुपए और फिंस फिजब ने मिलके एक नया क्रेडिट कार्ड बनाया, उसे एन्फिनी बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कुछ ना सोचे कि हेडक्वार्टर क्या लगा दूं, तो तुक्का लगा देना जेनेवा। कभी भी मतलब जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, नहीं समझ में आ रहा हो तो तुक्का लगाना हो, निगेटिव मार्किंग अगर ना हो तो जेनेवा लगा देना, क्योंकि मेजोरिटी आपको वही मिल जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या है, जेनेवा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नई बॉडी है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, ये भी आप समझिए। देखिए बहुत ज्यादा डेप्थ वो उन चीजों की पूछते हैं जो आसान होती हैं, जो टफ होती हैं या लेस इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, पूछते हैं तो ऊपर ऊपर से ही पूछ लेते हैं। तो IRF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी अगर मन करा उनका कि लाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लें तो वो IRF पूछें, लेकिन IRF में भी ऐसा नहीं बहुत डिटेल में चले आए, अगर आएगा भी तो वो बस हेडक्वार्टर्स वगैरह या बेसिक बेसिक जानकारी ही पूछेंगे, ठीक है? तो हेडक्वार्टर्स हमने देख लिए जेनेवा स्विट्जरलैंड। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कई सारे हेडक्वार्टर्स हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ठीक है? तो चलिए फिर सेशन यहीं ऑफ करते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? जो अपने PCS बैच वाले लवासा बैच के स्टूडेंट्स हैं वो सुबह रेडी रहिएगा, सुबह अपना फिर से कल पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है? ऑल राइट, तो गुड नाइट टू एवरीवन।